दोस्तों कोई मशीन हो, काली वाली अम्ब्रेला या फिर बड़ी वाली जुकी जैक वगैरह, दोस्तों अगर किसी मशीन में अगर दोस्तों आपके नीचे का धागा, ये देखो दिखा रहा हूँ एक मिनट, तो अगर नीचे का धागा दोस्तों ये देखो ऐसा आ रहा है तो इसके क्या कारण होते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने और सीखने वाले हैं। वेलकम टू तांडव इंडस्ट्री, द वर्ल्ड ऑफ फैशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। सबसे पहले दोस्तों मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जो मेरी वीडियो पर कमेंट करके मुझे ये बताते हैं कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी है या फिर मेरी वीडियो में कोई कमी है। उन लोगों को दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और दोस्तों मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं या फिर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी हमारी वीडियो को देखते हैं, उन लोगों का भी दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक सिलाई करके दिखा देता हूं कि हमारा धागा कैसा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारी सिलाई चल रही है, सिलाई मशीन, दोस्तों सिलाई मशीन तो दौड़ रही है, बाकी देखते हैं धागा कैसी देती है। ओ तेरी की दोस्तों, दिल तोड़ दिया यार मशीन ने, देखो यार कैसा धागा आ रहा है। अब दोस्तों कैसे सही होगा बताओ आप लोग यार, चलो कोशिश करते हैं देखते हैं कैसे सही होता है और आपको दिखाता हूँ सही करना है। दोस्तों मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना। दोस्तों सिलाई करने के बाद अगर नीचे धागा इस तरह आता है दोस्तों, इसका मेन कारण हमारा सिलाई मशीन का ये वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम सिलाई मशीन का टेंशन कहते हैं। दोस्तों टेंशन में दो प्लेटें होती हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में दोस्तों हमारा धागा लगा हुआ होता है। अगर दोस्तों ये दोनों प्लेटें ढीली होती हैं तो ढीला होने के कारण दोस्तों जो हमारा धागा होता है वो सुई में दोस्तों एक स्पीड एक बराबर से यानी दोस्तों एक लय से हमारे नीडल में नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारे नीचे की सिलाई सही नहीं आती है। ये दोस्तों दोनों प्लेटें हमारे धागे को पकड़ के रखती हैं और एक हिसाब से एक स्पीड से सुई में भेजती हैं। दोस्तों टेंशन के इस दोनों प्लेट के ढीला होने के टोटल चार कारण होते हैं। दोस्तों तीन कारण मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, जो ज़्यादातर दोस्तों प्रॉब्लम आती है, जो मेन कारण होता है वो दोस्तों यहाँ से होता है। पहले दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको दोस्तों पहले हम हल्का सा टाइट करेंगे और फिर सिलाई करके देखते हैं कैसा धागा आता है। दोस्तों ये हमारी पहली सिलाई है जो हमने चेक किया था कि हमारा धागा कैसा आ रहा है, देखिए ये ख़राब आ रहा है। अब दोस्तों हम टेंशन को हल्का टाइट किए हैं, अब टाइट करने के बाद दोस्तों चला के देखते हैं कि अब हमारा धागा कैसा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों हम दूसरी सिलाई करने जा रहे हैं टेंशन टाइट करने के बाद, फिर चेक करते हैं धागा कैसा आ रहा है। चल चल मेरी जान, अब की बार सही हो जाना मेरे दोस्तों, दिल मत तोड़ना। वो हो दोस्तों ये देखो दिल तोड़ दी मशीन ने फिर दोबारा, अभी भी दोस्तों सही नहीं हुआ ये देखो। अब दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों टेंशन को और टाइट करेंगे ऐसे दो बार घुमा के, अब फिर देखते हैं अब सिलाई कैसी आ रही है। देखते हैं दोस्तों अब सिलाई करके सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे दोस्तों क्या करोगे, लाइक तो कर दो यार, हमारी मशीन भी बोल रही है कि लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। दोस्तों तीसरी बार भी बुरा हाल हो गया, अब क्या करना है दोस्तों, अब और टाइट करेंगे एक बार, अब मेरे ख्याल से दोस्तों सही हो जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अब की बार हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, अगर दोस्तों आपने लाइक किया होगा तो ज़रूर सही हो जाएगा, देख लेते हैं। अब मशीन भाई बता दो दोस्तों को कि लाइक कर दिया इन्होंने, अरे वाह दोस्तों वाह, ये देखो सही हो गया, ये देखो दोस्तों सही हो गया, बिल्कुल टनाटन हो गया। दोस्तों लगता है आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तभी टनाटन सही हो गया है। दोस्तों अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे बस धागा सही आ रहा है, पूरी तरह से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करना भी ज़रूरी है। और चेक कैसे करते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये दोनों सिलाई को दोस्तों दोनों तरफ से ऐसे ऐसे पकड़ लेना है आपको, ऐसे पकड़ने के बाद दोस्तों हल्का सा खींचना है ऐसे दोस्तों, ऐसे खींच के देखना है कि कहीं आपका धागा कोई टूट तो नहीं रहा है। अगर दोस्तों ऐसे खींचने पे अगर नीचे की सिलाई टूटती है तो दोस्तों आप टेंशन से ढीला कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर टेंशन ज़्यादा टाइट होने के कारण ऐसे खींचने पे सिलाई नीचे की टूट जाती है। अगर दोस्तों ऊपर की सिलाई टूटती है ऐसे खींचने पे तो दोस्तों जो बॉबिन होता है हमारा, बॉबिन से हल्का सा दोस्तों धागा ढीला कर लेना और फिर दोस्तों सिलाई करके एक बार और चेक कर लेना ऐसा करके कि आपका धागा टूट तो नहीं रहा है ना नीचे का या ऊपर का। अगर दोस्तों या नीचे या ऊपर अगर कहीं का धागा नहीं टूट रहा है तो फिर दोस्तों आपकी सिलाई पूरी मस्त हो रही है और सारा कुछ एकदम बढ़िया सेट हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाकी के तीन कारण के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले आपको एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, दोस्तों जो हमारे सिलाई मशीन का ये टेंशन होता है दोस्तों,
ये दोस्तों हमारे सिलाई मशीन के 3 पार्ट्स से कनेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मशीन के 3 पार्ट्स से कनेक्ट होता है। उन पार्ट्स के कारण भी दोस्तों हमारे दोनों जो प्लेट होती हैं दोस्तों, ये वाली प्लेट दोस्तों उन पार्ट्स के कारण भी ये ढीली हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों आप ये देख रहे हो, हमारे मशीन के बैक साइड में एक ये पार्ट होता है जिसको दोस्तों हम इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो दोस्तों हमारा पैर, मशीन का पैर दोस्तों ऊपर उठ जाता है। और दोस्तों पैर उठने के साथ साथ दोस्तों यहाँ देखना दोस्तों टेंशन में, ये देखो दोस्तों उस पार्ट को उठाने के बाद हमारी ये प्लेट बाहर की तरफ आ गई है। और दोस्तों जो हमारी टेंशन की दोनों प्लेटें हैं जो धागे को पकड़ के टाइट रखती हैं वो दोस्तों ढीली हो गई है। ये देखना दोस्तों, दिखा रहा हूँ करके मैं आपको। ये देखिए मैंने नीचे किया, फिर दोस्तों देखो मैंने उसको उठाया पार्ट को, ये देखो दोस्तों बाहर की तरफ आ गया ना, ये वाला अपना प्लेट दोस्तों बाहर की तरफ आ गया ना। और बाहर की तरफ आने के बाद दोस्तों हमारी दोनों प्लेटें ढीली हो गई, तो दोस्तों इसके कारण भी हमारी सिलाई खराब आने लगती है। तो दोस्तों आप सिलाई करते समय इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखें, ऐसे उठा के ना रखें, नीचे की तरफ रखें। दोस्तों अब मैं तीसरा पार्ट भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो हमारे जो मशीन के नीचे दोस्तों जो घुटना होता है, जैसे दोस्तों हम ये देखो ये हमारा घुटना हो गया और हमारे घुटने के पास दोस्तों ये वाला पार्ट होता है जिसको दोस्तों हम ऐसे प्रेस करके पैर को उठाते हैं। अगर दोस्तों हम घुटने से उस पार्ट्स को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद दोस्तों यानी दबाने के बाद ये दोस्तों देख रहे हो ये जो प्लेट है इन दोनों प्लेटों को छोड़ दे रही हैं। और छोड़ने के बाद दोस्तों हमारी दोनों प्लेटें पूरी तरह से ढीली हो जा रही हैं। और ढीला होने के कारण दोस्तों हमारा धागा 1:1 की स्पीड से नीडल में नहीं जा पाता है जिसके कारण सिलाई सही से नहीं आती है। तो कभी भी दोस्तों सिलाई करते समय आप इस घुटने पर हमेशा ध्यान रखें कि आपका घुटना इस पर दबना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर दबेगा तो आपका टेंशन ढीला होगा और ढीला होने के कारण दोस्तों आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। टेंशन के इस दोनों प्लेट के ढीला होने का चौथा कारण, अगर इस दोनों प्लेट के बीच में धागा या फिर कचड़ा फंस जाता है तो उसके वजह से दोनों प्लेटें आपस में सही से चिपक नहीं पाती हैं। और आपस में सही से नहीं चिपकने के कारण जो हमारा धागा होता है वो टेंशन से एक हिसाब एक स्पीड से हमारी सुई में नहीं जा पाता है और उस कारण दोस्तों हमारा नीचे का सिलाई सही नहीं आता है। तो दोस्तों आप इस टेंशन के इस दोनों प्लेट को भी चेक कर लें, इस बीच में कहीं धागा वगैरह तो नहीं फंसा है, कहीं कचड़ा तो नहीं फंसा है। अगर धागा कचड़ा फंसा हो तो इसको साफ कर लें। अगर आपने इस टेंशन के चारों कारणों को सही कर लिया और फिर भी आपकी सिलाई नीचे की सही नहीं आ रही है तो आपकी टेंशन की फिटिंग सही से नहीं हुई है। आप हमारे चैनल पर जाके टेंशन सेटिंग की वीडियो देख के इसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट और फिट कर सकते हो। जय हिंद। और दोस्तों हमारे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हमें अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो तो। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो दोस्तों हर किसी को शेयर करना जो सिलाई करते हैं और सिलाई सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों। Learn all things only on Tandav Industries. Subscribe now.